Hello student, now we are going to start question number 4 of exercise 6.2. Question number 4, in figure 6.19, DE parallel to AC. आपको एक फिगर दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है DE जो है वो पैरेलल है AC. बच्चे फिगर सिर्फ कॉम्प्लिकेशन है, अगर आप उसे समझ रहे हैं मैं फिगर को इरेज करके स्टेप बाय स्टेप इसको बताऊंगा, उसको आप ध्यान से देखिएगा. लिखा हुआ है कि इन फिगर 6.19 DE पैरेलल टू BAC. तो पहले तो फिगर को देख लेते हैं, क्या है फिगर A B C. आपको दिया हुआ है कि DE जो है वो पैरेलल है, DE पैरेलल AC है, AC के पैरेलल एक लाइन है जो है बच्चे D और अभी फिलहाल बच्चे देखो आपके पास ये चीजें दिख रही है, दिख रही है कि नहीं. तो हम तो यही BBT पहले लगा दें, जो हमको दिख रहा है बच्चे वही BBT लगा दें. ये फिगर भी यही लिखा हुआ था तो पहले यही इतना ही हम साथ कर लें. इन ट्रायंगल BAC DE पैरेलल टू AC आपको दिया हुआ है, ये लाइन इसके पैरेलल है तो आपको मालूम है बाय BBT. अब हम देखेंगे कि हमें BBT किसे लगाना है. हम बच्चे शुरू करते हैं. देखो बच्चे क्वेश्चन में एक चीज लिखी हुई है, BF बाय FE इक्वल होनी चाहिए DE बाय EC के. DE बाय EC तो देखो BE और बाय EC इन्हीं दोनों साइड का रेशियो है, तो BBT से जब लगाएंगे तो आएगा BD बाय DE इक्वल होगा BE बाय EC के. इस फिगर को देख के आप आसानी से इस बात को लिख सकते हैं. अब आगे देखिए लिखा है DF पैरेलल टू AE. अब देखो बच्चे तुम AE लाइन को पहले जोड़ लो, AE लाइन को तुम जोड़ लिए और अब कह रहा है DF जो है वो पैरेलल है, तो ये आपके पास हो गया DF. अब बच्चे देखो जरूरत नहीं है, अब हमसे मैं आपको फिगर को इरेज करके बता रहा हूँ, मुझे इस लाइन की जरूरत नहीं है, ये सब लाइन मुझे नहीं चाहिए. अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि AE लाइन के पैरेलल BF है, तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी. अब आ जाओ इसमें लगा दो BBT. इन ट्रायंगल ABE, ABE, BF पैरेलल टू AE. BF और AE के पैरेलल है तो ये हो जाएगा बाय BBT. क्या मिलेगा तो देखो बच्चे यहां से BD बाय BD बाय DA इज इक्वल टू BF बाय FE, यही मुझे मिलेगा इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 1 को तो ध्यान से देखिए और ये आसानी से इक्वेट हो जाएगा BD बाय DA बाय DA. अब हम फिगर को कंप्लीट कर लेते हैं. जो मेरे पास फिगर था यही मेरा फिगर था, पहले ये लाइन इसके पैरेलल थी तो ये आया था, दूसरी बच्चे ये दोनों लाइन पैरेलल थी तो ये आ गया. अब हम दोनों इक्वेशन से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 BA हमें क्या मिलेगा तो देखो BD बाय DA BD बाय DB BE by EC और BF by आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चे BE by EC is equal to BF by FE. ये आपने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव. ये आपका क्वेश्चन था, आसान था. हम दो ट्रायंगलों की पहचान पहले कर लिए कि मुझे कौन से दो ट्रायंगल यूज करना था. तो जब दो जो दो लाइन पैरेलल देती है, ये लाइन ये लाइन पैरेलल थी, हम इस ट्रायंगल का यूज करेंगे, फिर ये लाइन से पैरेलल थी और इसको बच्चे हमें साफ कर दिया. क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इसको देख लेते हैं. ऐसे ही आपको करने हैं, आपको क्वेश्चन को ही दिए गए होंगे, आप इसको ऐसे ही करेंगे. लिखा हुआ है कि इन फिगर 6.0 आपको दिया है, आपको फिगर दिया है 6.20.
ध्यान से देखें इस फिगर को, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इसे नहीं कर सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं। और ये देखिए, ये आपको दिया है, ठीक है, ये पॉइंट है O। बच्चे आप ध्यान से देखो, इसमें कुल कितने ट्रायंगल हैं? तीन, एक दो और तीन, ये तीन ट्रायंगल हैं। इन तीन ट्रायंगलों में दो ट्रायंगलों में तुमको गिवन है, लिखा हुआ है कि बी पैरेलल टू ओ क्यू। पहले तो हम लिख देते हैं पी क्यू आर के ट्रायंगल का नाम है, ओ पॉइंट हो गया। और इसमें लिखा है कि आपके पास BE पैरेलल टू OQ, O और Q आपके पास ये लाइन है OQ, और कौन सी लाइन पैरेलल है बच्चे? DE। ये है आपके पास DE और ये है आपके पास E। चलो भाई, ये जो दिख रहा है इसको पहले साफ कर लें। इन ट्रायंगल POQ DE पैरेलल टू OQ बाई BPQ। आप खुद ही देख रहे हैं, एक ट्रायंगल है POQ और BE पैरेलल है OQ के। BPQ से क्या मिलेगा भाई? आपको मिल जाएगा कि PD बाई PO इज इक्वल टू PE बाई PQ। यही रन करेगा। ये लाइन इसके पैरेलल है तो पैरेलल दिया होगा BPQ से, उनका रेशियो इक्वल होगा PE by PQ, PE by PQ इक्वल होगा PE by PO। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं इन ट्रायंगल, लिखा है क्वेश्चन में DF पैरेलल OR। ये जो है D और ये है यह DF पैरेलल टू है इसके। तो आगे हम उसका एक ट्रायंगल आपको लिखा है BF पैरेलल टू OR by BPQ। by BPQ आपको क्या मिलेगा? तो ये मिलेगा बच्चे क्या, PF by FR is equal to PD by PO। बच्चे देखो ध्यान से, PF by FR PD by PO के बराबर मिलेगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दिया तो भी कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे। यहाँ देखो PD by PO, PD by PO की वैल्यू क्या है? PD by PQ यहाँ मैं रख सकता हूँ, या अगर आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो मैं इसको लिख दिया, ठीक है? क्या लिखूंगा? क्योंकि दोनों एक साइड में कर दूँ, PD by PO, PD by PO बराबर होगा PF by FR, तो PF by FR। अब आप देखिए इन दोनों क्वेश्चन के जो आपके साइड है लेफ्ट है वो तो इक्वल है, राइट हैंड क्या होगा? इक्वल होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। हमें क्या मिलेगा? PD by PO, PD by PO इक्वल है, मिलेगा क्या? PE by PQ इक्वल होगा PF by FR। तो आप देखो बच्चे, PD by PQ, PD by PQ इक्वल टू PF by FR। तो हमारे पास है क्या? We have PE by PQ is equal to PF by FR by converse BPQ। ध्यान से देखिएगा, आपको इस साइड आप ट्रायंगल के अंदर की चीजों को आप हटा के देख सकते हैं। आपको दिया है PQR और ये जो पॉइंट दिया गया है वो है पॉइंट E और ये है E। तुमको क्या मिला है? PE by E, आपको मिल गया PE by EQ और ये पर ये आपको यही तो चाहिए। तो PE by E मिल गया है EQ पर EQ पर EQ पर, इसका ये मतलब हुआ by converse BPP, कर्वर्स बीपीपी से तुमको इन दोनों को इन पॉइंटों को जोड़ने वाली लाइन इसके क्या मिल जाएगा? पैरेलल। तो पीएफ जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा क्यूआर के। यही हमको प्रूफ करना था और हमने बच्चे प्रूफ कर दिया। पीएफ जो होगा ये लाइन पीएफ जो होगी इसके
बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी एकदम सेम यही है, आप इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को लिखा हुआ है फिगर 6.2, आपको फिगर दिया है, इसमें भी आपको सेम फिगर है, तीन ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, ये आपके पास है बी की बार, ये है पॉइंट ओ, और आपको लिखा है ये जो है ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी लाइन जो है वो किसके पैरेलल है, ये पैरेलल है इसके। तो चलो पहले हम इसी ट्रायंगल का यूज कर लें, तीन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ये लिखा है ए बी, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, तो ए बी जो है वो पैरेलल है पी क्यू, तो बाई बी पी दिया है।
एडी, तो बच्चे देखो एडी और डीपी दोनों क्या है, ऊपर है, तो मैं एडी को क्या कह सकता हूँ, डीपी, तो डीपी बाय डीपी इज इक्वल टू एडी बाय ईसी, ये इसे कैसे हो जाएगा पर, तो ये हो जाएगा ईसी को यहाँ ले जाएगा, ईसी यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा ईसी इक्वल टू एडी, ईसी की वैल्यू एडी के बराबर हो गई, इसका ये मतलब हो गया कि ई इज मिल पॉइंट, क्या हो गया ई इज मिल पॉइंट ऑफ एसी, करना कुछ नहीं था बच्चे, तुमको दिया है ई इज मिल पॉइंट, इसका मतलब एडी की वैल्यू बीपी के बराबर होगी, बीपी की लगाऊंगा तो एडी बाय बीपी इक्वल टू एडी बाय बीसी होगा, एडी और बीपी इक्वल है ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, इसी को यहां ले जाऊंगा तो बीसी बाय इक्वल हो जाएगा और क्या हो जाएगा E is midpoint of AC, ये था बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है अब क्वेश्चन नंबर जो है 8, 9, 10 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, थैंक यू।